नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। नागौर में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का चेक किया गया बैग। कांग्रेस ने कहा पीएम मोदी और अमित शाह की भी ली जाए तलाशी। झारखंड में अमित शाह ने फिर उठाया रियासत में गैर मुल्की दरअंदाजी का इशू। जेएमएम पर लगाया घुसपैठ कराने का इल्जाम। एमपी जिमनी इंतखाबात में कांग्रेस का इलेक्शन कमीशन पर शिकायत नहीं सुनने का इल्जाम। कहा वोटिंग में डकैतों की मदद भी की नजरअंदाज। राजस्थान के टोंक में आजाद उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर हंगामा। वोटिंग के दौरान एसडीएम से मारपीट के इल्जाम पर हुई कार्रवाई। असहार इंडिया परिवार ने अपने बानी चेयरमैन सहारश्री को पहली बरसी पर किया याद। लखनऊ में खसूसी प्रोग्राम में अहम शख्सियात की शिरकत। महाराष्ट्र में इलेक्शन के पेश नज़र कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का हेलीकॉप्टर नासिक में उतरते ही इलेक्शन कमीशन ने उनके बैग की तलाशी ली। इस पर कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले ने नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को पीएम मोदी और अमित शाह के बैग भी चेक करने चाहिए। मेरे पास बैग ही नहीं थी, करने दो, उनका काम है, पर अमित शाह जी और मोदी जी का भी करे बैग चेक। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में अपने इत्तेहाद महाविकास आघाड़ी के जीतने और सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार देंगे। महाराष्ट्र में तो वातावरण ठीक है और कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी जीतने वाली है, सरकार बनाने वाली है, एक अच्छा सरकार हम लोग महाराष्ट्र को देंगे। सर, ये राहुल गांधी भी आज मंदिर बार में सभा कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहना है? ठीक है, हर जगह हम सब लोग कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि सभी महाविकास आघाड़ी के नेता लोग चुनाव में लगे हुए हैं। हर जगह जहां कहीं वो लोग पूछ रहे हैं वहां हर जगह जा रहे हैं। और राहुल गांधी जी गए तो और भी नेचुरली आजू बाजू के दो चार कांस्टिट्यूंसी को भी मदद मिलती है। क्या आपको लगता है अच्छा सभा को लेकर जो पिछली बार आपको रिस्पांस मिला, इस बार मिलेगा विधानसभा में भी? मिल रहा है, उसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये राज्य का चुनाव रहे तो भी अब आप ही सोचिए कि मोदी साहब बार बार आ रहे हैं, शाह साहब बार बार आ रहे हैं, पूरी उनकी टीम जितनी भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैबिनेट और आजू बाजू के चीफ मिनिस्टर्स यहां आ रहे बोले तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग घबरा गए हैं और वो लोग ये चाहते हैं कि किसी न किसी हालत में कि महाविकास आघाड़ी सत्ता में नहीं आना, क्योंकि उन्होंने तो जो आज गवर्नमेंट बनाया है ये तो तोड़फोड़ के बनाया है और जो तोड़फोड़ के बनाने वाले बहुत दिन नहीं टिकती और खास करके ये आइडियोलॉजी पे बनी हुई सरकार नहीं है, एक विचारधारा पे बनाई हुई सरकार नहीं है, तो इसीलिए वो घबराहट से किसी न किसी हालत में या मनी पावर या मसल पावर ये किसी न किसी हालत में वो लोग यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं, लोग डिटरमाइन कर दिए कि यहां पर महाविकास आघाड़ी का सरकार बनाने जा रहे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर रद्दअमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मोहब्बत में यकीन रखती है, हम तशद्दुद और नफरत की सियासत नहीं करते हैं। प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन वेल, our entire leadership is there in Maharashtra on election preparations and election campaign preparations. Certainly Mahavikas Aghadi has a clear cut chance in Maharashtra. State governments, Congress party is believing love and affection, not hatred. Congress party's policy and ideology is very clear. We need to love each other. We are not
being an instrumental to spread the violence and spread the hatred. Congress president always, even though he talk about his personal experience years ago, he is not bending upon that. He is totally for communal harmony and love and affection for the community. But BJP, Yogi Adityanath, only one agenda, to divide the people, to create hate against among the people, spread the violence, spread the hate. This is the only one agenda. They are not believing governance. They are not believing government policies for poor people. They are only believing to divide the people on communal lines and take the votes. That is why this type of argument. Our philosophy is totally different. Our people, you know that. मोहब्बत के भाषा भाषा मोहब्बत का दुखन खोलने के लिए हमारा क्लियर आइडियोलॉजी उसी तरफ है। संभाजीनगर महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि औरंगाबाद की दोनों सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार कामयाब होंगे। उन्होंने इस इलाके में रोड शो करते हुए यहां के मकामी इश्यूज पर लोगों की तवज्जो दिलाई। बराबर इंशाल्लाह ताला औरंगाबाद की दोनों सीटों पर मजलिस के दोनों उम्मीदवार यहाँ से कामयाब होंगे। आमदार बनकर यहाँ के शहर की जनता के जो मसाइल हैं, सबसे बड़ा पीने का पानी का मसला है, यहाँ पर गरीबों के पास घर नहीं है, रोड का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, यहाँ का टेक्सटाइल पार्क उठाकर अमरावती भेज दिया गया है, तो ऐसे बहुत बड़े मुद्दे हैं। मराठा रिजर्वेशन है, ये दोनों जीतेंगे तो विधानसभा में जाकर मराठा रिजर्वेशन के आरक्षण का मुतालबा करेंगे। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने झारखंड के गिरिडीह में इंतखाबी जलसे के दौरान एक मरतबा फिर गैर मुल्की दरअंदाजी का इशू उठाया है। हालांकि झारखंड की सरहदें किसी दूसरे मुल्क से नहीं मिलती हैं और यहां किसी भी मुल्क से बराह रास्त दरअंदाजी मुमकिन नहीं है, फिर भी बीजेपी के लीडर लगातार यहां गैर मुल्की घुसपैठ की बात कर रहे हैं। उनका ध्यान केवल और केवल घुसपैठियों को घुसाने के लिए है, घुसपैठियों को घुसाने। मुझे बताओ गिरिडीह वालों, एक घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? एक घुसपैठ ये झारखंड में आते हैं, हमारी बोली बाली बच्चियों से दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं, जमीन हड़प लेते हैं। झारखंड वालों, कमल फूल की सरकार बना दो, मैं आपको वादा करता हूं, इंसान तो क्या, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, घुसपैठ नहीं। झारखंड में 13 नवंबर को पहले मरहले की वोटिंग के बाद हुक्मरान और अपोजिशन दोनों ही की तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे जारी हैं। बीजेपी के एमपी अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि झारखंड के आवाम ने 13 नवंबर को रियासत में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए ही वोटिंग की है। सभी मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने झारखंड में बदलाव के लिए वोट किया है, कुशासन से मुक्ति पाने के लिए और सुशासन वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए वोट किया है। 13 तारीख को काम हो चुका है, बाकी 20 को हो जाएगा और झारखंड में कमल खिल जाएगा। हमने ही झारखंड बनाया था और भाजपा ही झारखंड संवारेगी। उधर जेएमएम के लीडर मनोज पांडे ने पहले मरहले की वोटिंग के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जिन 43 सीटों पर बुध के रोज वोटिंग हुई है उनमें 35 से 38 सीटों पर हम बहुत मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि इस बार हम 2019 के मुकाबले ज्यादा बड़ी अक्सरियत के साथ सरकार बनाएंगे। देखिए 43 सीटों में जो कल मतदान हुआ उसमें हमारे अनुमान से ज्यादा बेहतर रिजल्ट की संभावना है। हम लोगों ने जो आकलन किया, जो फीडबैक आया क्षेत्र से, करीब 35 से 38 सीटों पर हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। आप रुझान और उत्साह जनता का क्या था, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कोडरमा जैसी सीट आरजेडी जीत रहा है, जो प्रत्याशी जेल में था, प्रचार नहीं हो पा रहा था, हम लोग कमजोर मान के चल रहे थे, वो चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे कई एक क्षेत्र में जो हम लोग उम्मीद किए थे उससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन, और उसका श्रेय हमारे नेता को जाता है। हेमंत सोरेन जी का अथक प्रयास, जो चुनाव प्रचार उन्होंने किया, कल्पना सोरेन जी अद्वितीय एक नेत्री, अभूतपूर्व,
मैं बोलूंगा, पूरे आजाद भारत के इतिहास में मैंने इस तरह का पहले कभी नहीं देखा कि इतने कम समय में इतना कॉन्फिडेंस के साथ और जनता से वो जो संवाद करते हैं, उस सब का नतीजा है, सरकार के योजनाओं का प्रतिफल है कि आज हम इस स्थिति में है कि हम कंफर्टेबल हैं सरकार बनाने में। पहले चरण में ही सरकार बनाने का रास्ता मार्ग प्रशस्त हो गया, हम औपचारिकताएं ही रह गई हैं अब द्वितीय चरण में, और द्वितीय चरण हमारा और ज्यादा मजबूत इलाका है। संथाल परगना में इस बार तो खाता भी नहीं खुलेगा बीजेपी का। तो कुल मिलाकर पिछले बार 2019 के मुकाबले ज्यादा बड़ी बहुमत के साथ हम मध्य प्रदेश के जिमनी इंतखाब पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर जीतू पटवारी ने इलेक्शन कमीशन पर अपोजिशन की शिकायत को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो भी शिकायत की गई थी किसी का नोटिस नहीं लिया गया, चुनाव के दौरान डकैतों का इस्तेमाल किया गया और पुलिस बीजेपी के कारकुनान की तरह काम करती रही, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैंने सारी चुनाव के पहले शिकायतें पार्टी ने की थी, निर्वाचन आयोग को भी की थी और जहां भी संबंधित जगह वहां की थी, एक पे संज्ञान मिल गया। जो हमने शंका जाहिर की वो सब हुआ, डकैतों का उपयोग हुआ चुनाव के अंतर्गत, भारतीय जनता पार्टी ने क्या पकड़े गए हिस्ट्री सीटर पब्लिक डोमेन में। चुनाव के बाद कलेक्टर और एसपी का, पुलिस का रोल बीजेपी के कार्यकर्ता जैसा रहा। आदिवासियों पर भारतीय जनता पार्टी ने गोलियां चलवा दी, पांच पांच छह छह लोगों पर गोलियां लगी। अभी चुनाव जिस दिन हुआ कल और आज रात में जाटों के घर जला रहे हैं, उनकी फसलें जला रहे हैं, उनका घास जला रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ रहे हैं। आखिर ये किस तरह का प्रदेश बनाना चाहते हैं? ये है नरेंद्र मोदी का नया भारत, जो राहुल गांधी जी बार बार इस बात को कहते हैं कि अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करनी है। राहुल जी हर बार इस बात को कहते हैं कि दलित और आदिवासी परिवार के लोग, जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी कुठराघात कहती, वो सत्यापित हुई और हमने मांग की है मोहन यादव जी से कि उनको गिरफ्तार करो। अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की शय पे वो लोग दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, जाटों पे कर रहे हैं, आदिवासियों पे कर रहे हैं। मोहन यादव जी से आग्रह है उनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करें, अन्यथा हम मानेंगे कि आपकी शय पे ये सब हो रहा है। सरेंडर नहीं करूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा, कर दो नहीं के लिए पुलिस कह रही है, नहीं करूंगा मैं सरेंडर नहीं करूंगा, सरेंडर नहीं करेंगे। मेरी मांगे पूरी हो, कलेक्टर वहाँ बात कर लेंगे। टोंक राजस्थान में पुलिस ने समरवती गांव से आजाद उम्मीदवार के तौर पर जिमनी इलेक्शन लड़ रहे नरेश मीणा को गिरफ्तार किया है। इल्जाम है कि टोंक जिले के देवली उनियारा असेंबली हलके से आजाद उम्मीदवार नरेश मीणा ने 13 नवंबर को पोलिंग स्टेशन पर एसडीएम अमित चौधरी के साथ मारपीट की थी। उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस को उनके हामियों की जबरदस्त मुजाहमत का सामना करना पड़ा। पुलिस की कार्रवाई से नाराज मकामी लोगों ने रोड जाम कर दिया था, जिसे पुलिस ने काफी कोशिशों के बाद खुलवाया। देखिए, उसको समझाइश की गई कि कानून हाथ में ना ले और अपने आप को समर्पित कर दे, और इनिशियली वो मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा। अब कहाँ लेकर गए सर, किन किन मुकदमे में? जो भी धारा इनके लगेंगे राजघर में बाधा आगजनी करने के संबंध में, वो सब उन पे जो भी विदित हो गए वो कार्रवाई की जाएगी। पुराने और मामले थे जिनके लिए वो अनचित चल रहे थे? डेफिनेटली उन सब का भी रिकॉर्ड मंगवाया गया है और उनमें भी गिरफ्तारियां होगी। टोटल अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? डिटेन हुए 50-60 लोग डिटेन हुए, बाकी आगे जो भी इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारियां की जाएंगी। अपनी गिरफ्तारी से पहले नरेश मीणा ने अपना मौकफ मीडिया के सामने रखा। उन्होंने तफसील से बताया कि बुध के रोज समरवता गांव में क्या क्या हुआ था। सुबह में 7 बजे बूथों को, प्रत्येक बूथ में जाने का मेरा प्लान था, लेकिन मेरे को 9 बजे सूचना आती इस गांव ने बहिष्कार कर रखा है। बहिष्कार इस बात का था कि ये पहले उनियारा उपखंड में थे, वहां से तोड़ के इनको देवली उपखंड में जोड़ दिया गया है पूरी पंचायत को। इसके अलावा जिसने बहिष्कार, लेकिन वहाँ भी अधिकारियों ने जबरदस्ती करके 2 लोगों को वोट डलवा दिया था और बहिष्कार को खत्म करके उन्होंने डाला। मैं यहाँ 9 बजे पहुंच गया था, मैंने समझा इसकी, कहा कि भाई आप लोग वोट डालो, इन्होंने कहा जब तक कलेक्टर नहीं आकर हमें आश्वस्त नहीं करेगी तब तक हम बहिष्कार को वापस नहीं लेंगे। कलेक्टर आई नहीं, मैंने भी कलेक्टर से बात की थी सुबह ही कि मैडम मेरे बैलेट पेपर भी धुंधला दिख रहा है, वो दिख नहीं रहा, लोगों की शिकायत आ रही है, लेकिन पूरा प्रशासन बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा था, सरकार के इशारों पर काम कर रहा था, वो बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम कर रहा था। मैंने
जब यहाँ पे कलेक्टर नहीं आई, मैंने यहाँ प्रशासन से कहा कलेक्टर साहब बुला दो, 12:00 बजे तक कलेक्टर नहीं आई। नहीं आने पर मैं यहाँ पर एक जो एसडीएम था, जो मालपुरा एसडीएम है, उसको आरओ लगाया हुआ था जानबूझ के, ताकि वो कन्हैयालाल चौधरी की मदद कर सके, बीजेपी की मदद कर सके। उस एसडीएम ने 3 लोगों का फर्जी वोट डलवाया, दबाव देके कि तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम्हारे ये कर देंगे। उनका उन्होंने वोट डलवाया दादागिरी से। एक बहन है जो उसमें आंगनबाड़ी में, एक टीचर था, एक और था। जब मेरे को ये पता लगा कि जबरदस्ती वोटिंग कराई जा रही है, सभी की भावनाओं को हाथ किया जा रहा है, मैं गया, मैंने पूछा कर्मचारी से किसने डलाया, उन्होंने कहा ये एसडीएम ने डलाया है। मैंने एसडीएम के थप्पड़ जड़ा था, ये बात सही है, लेकिन इसलिए जड़ा था कि उसने कुकर्म किया था, गलत काम किया था। उसके जड़ने के बाद हम लोग यहाँ बैठे रहे, धरना चलता रहा। जब धरना चलता रहा तो 3:30 बजे जब कलेक्टर नहीं आया, कोई भी नहीं आया, जब मुझे लगा कि ये लोग ये चाहते हैं हमारा वोट नहीं डले, मैंने वोटर से अपील की आप लोग वोट डालो 3:30 बजे, और 3:30 बजे बाद वोट डाल दो, जब तक आपका वोट डलेगा, वोट डलने के बाद मैं यहाँ बैठा हूँ, वोट डलने के बाद आप जो फैसला लोगे वो फैसला मेरा है। सारे बोर्ड डल गए, सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए, सबने फिर एक बात कही कि कलेक्टर के बिना हम कोई बात नहीं करेंगे। मैंने खूब कहा भी कलेक्टर बुलाओ, नहीं बुलाया। लास्ट में मैंने फिर एक बार ही कह दिया भाई एसपी को बुला लो, एसपी बुलाओ, मैं एसपी की बात भी मान लेंगे। लेकिन एसपी यहाँ 50 मीटर पे बैठा था स्कूल में, वो नहीं आया। नहीं आने के बाद में फिर शाम को हमारा रात भर ये स्टेज लगा के हमारा ये था, रात भर हम यहाँ पड़ाव डालेंगे। मैंने बिस्तर मंगा लिया था, खाना मंगा लिया था। खाना मंगाने के बाद हम लोग, इन्होंने खाना रोक लिया हमारा, टोल भी रोका, फिर वो कच्चे रास्ते से खाना आया पिकअप में, वो पिकअप रोक ली। रोकने के बाद मैं जब मुझे पता लगा, सारी पंक्ति लगा दी थी, हम लड़के बैठ गए थे, मैं खाना लेने गया, तो खाना लेने के लिए गया तो पुलिस के एसपी ने मेरा हाथ पकड़ के पुलिस से कहा कि भाई इसको गाड़ी में डालो। मैंने वो गाड़ी में डाल लिया था, जैसे गाड़ी में डाला पथरा हो गया था, पथरा हुआ, लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद पुलिस वाले वहां से मेरे को छोड़ के भाग गए, एक भी पुलिस वाला मेरे साथ नहीं रुका। पुलिस का एक ड्राइवर गाड़ी में था, उस पर जब लाठीचार्ज पड़ा हुआ, मैंने उसको, मुझे लगा इसको नुकसान हो सकता है, मैंने उसकी जान बचाने के लिए उसको निकाला, उसको मैंने उस मकान में बिठाया, फिर मैं इस जगह आ गया। ऐसे आया तो इधर से फोर्स ने अटैक किया, वो उनके पास आंसू गैस के गोले, मिर्ची बम और सब थे। जैसे मिर्ची बम आया, मेरे को यहाँ महिलाओं ने घेर लिया था, महिलाओं ने कहा बेटा तू नहीं जाएगा, मैंने कहा खूब खुशी, मेरे को इस मकान में ले गए। बाद में मिर्ची बम फेंके, मैं यहाँ आके घायल हुआ। मुझे यहाँ से फिर पीछे खेतों से 7-8 लोगों ने उठाकर बेहोशी था, मैं 4-5 किलोमीटर ले गए थे। मैं वहां जाके रहा, फिर रात भर हमने सब लोगों से बात करी, सब लोगों से बात करके जो भी हमारे लोग थे उनसे बात करने के बाद यहाँ का हमें पता लग गया था, पुलिस यहाँ मकानों में आग लगा रही है, यहाँ गाड़ियों में आग लगा रही है। फिर हमने सब करके फिर अभी सुबह 7 बजे मैं जैसे उठा हूँ, रात भर मैं सोया नहीं, सुबह उठते ही मैं यहाँ आपके बीच में हूँ। अब देख रहा हूँ यहाँ देख हालत जो देख है, 60 लोगों को गिरफ्तार करा इस पूरे मामले में, वो लोग निर्दोष है, वो सारे लोग निर्दोष है। जो भी दंड दे वो मुझे दे, मैं दंड जितना भी दंड दे पुलिस, मुझे चाहे फांसी लगा दे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। पर आम लोगों को जो नुकसान किए उसकी प्रशासन भरपाई करे, सरकार भरपाई करे। और मैं अंत में एक बात और चाहता हूँ, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, मुझे किरोड़ी लाल जी मीणा से उम्मीद है, मुझे किरोड़ी लाल जी मीणा से उम्मीद है, वो मेरा हमें न्याय दिलाएंगे। मुझे न्याय की जरूरत नहीं, बड़ी जनता को न्याय की जरूरत है, और आदरणीय किरोड़ी लाल जी इस लोगों को मदद करवाएंगे। ये जो आर्थिक नुकसान हुआ है, मैं भी समाज से लोगों से आपके चैनल के माध्यम से भीख मांग रहा हूँ, इस गाँव का, इन लोगों का मदद करे। बहुत नुकसान पुलिस ने प्रशासन ने किया है, सरकार से हमारा भरोसा नहीं है, केवल किरोड़ी लाल जी पे हमें उस न्याय के देवते पे भरोसा है कि वो आएंगे और हमें न्याय दिलाएंगे, जनता को। टोंक जिले में आजाद उम्मीदवार नरेश मीणा और एसडीएम अमित चौधरी के दरमियान हुए तनाजे पर साबिक वजीराला और कांग्रेस के लीडर अशोक गहलोत ने रियासती सरकार पर सवाल उठाए हैं। इस नौबत क्यों आई? तो जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, अब कल की घटना के बाद में आप बताइए सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए, शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे, इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना नहीं थी, एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों? उतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? तो कहाँ सरकार का इकबाल है? हम बार बार सरकार को कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो, हम आलोचना भी करते हैं तो उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और अगर बातों में दम नहीं है हमारी बातों में, अब खंडन करो, दम है तो सुधार करो, जनता का भला हो, यही तो डेमोक्रेसी होता है। पर बीजेपी के तो जैन में उनकी फितरत में है ही नहीं कभी कि आप विपक्ष की भावनाओं का आदर करो, बात सुनो, आलोचना को चयन करने की शक्ति रहे आप में, ये तो है ही नहीं उनके अंदर।
पटना में आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर कहा है कि इस बार मोदी जी को पीएम बनाने में सबसे बड़ा रोल बिहार का रहा है, तो अब बिहार के साथ सौतेला रवैया नहीं होना चाहिए, अब तो बिहार को खसूसी रियासत का दर्जा मिलना ही चाहिए। ठीक है, आए प्रधानमंत्री तो आने में क्या दिक्कत है, लेकिन हम लोग तो लगातार जो है इस सवाल को उठाते रहे कि भाई बिहार ने सबसे ज्यादा आपको जो है मत दिया, आपको प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई है, तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार ना करें। बिहार के साथ जो बिहार की पुरानी मांग रही है हम लोगों की, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की, विशेष पैकेज की, तो वो कम से कम वो काम तो होना ही चाहिए। और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को भी बोलना चाहिए ना कि भाई देश भर में जो है जाति आधारित जातिगत जनगणना जो है जल्द से जल्द कराए। अब तक सेंसस नहीं हो पाया तो कास्ट सेंसस तो दूर की बात है, तो सेंसस में ही एक कॉलम जोड़ना है कास्ट जाति का, तो वो कम से कम जल्द से जल्द वो कराना। बुलडोजर कार्रवाइयों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लीडरों का रद्दअमल का सिलसिला जारी है। आरजेडी के रुकन राज्यसभा मनोज झा ने कहा है कि बुलडोजर के जरिए कार्रवाई के नाम पर इंसाफ का खून किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस पर अंकुश लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के का जब ये जजमेंट आया, ऑब्जर्वेशन आया, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया जो थी आज भी वही है, ये बेहद अहम था, एक सेलिब्रेट किया जाने लगा था। एक व्यक्ति जो मैंने कल भी कहा, वो सेलिब्रेट करते थे कि उनके नाम के साथ बुलडोजर लगा हुआ है, बुलडोजर जस्टिस शब्द का प्रयोग होने लगा। कहां का जस्टिस भाई, बल्कि जस्टिस को बुलडोज करता है। मान लीजिए मैं गुनहगार हूं, कानूनी प्रक्रिया होगी ना, या बुलडोजर चला देंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फाइनली इस पर अपनी मोहर लगा दी है, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग उस पर बैठ करके फूल बरसवाते थे अपने पे, अब परहेज करें। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीपीआई ने भी खैर मकदम किया है। पार्टी के लीडर डी राजा ने कहा है कि सरकार को इस पर संजीदगी से ध्यान देना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। आई अग्री विद सुप्रीम कोर्ट, नाउ इट इज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट हाउ दे आर गोइंग टू रेस्पॉन्ड, but there are issues I'm not talking about criminal acts, those who got involved in criminal acts. In Delhi we witnessed poor people living in slums, they were bulldozed. I stand for the right of the poor people. If poor people are living in some places and the state cannot bulldozing them and driving them away from their residential places. So if Supreme Court order is meant for protection of the rights of the poor people, I welcome, and I wish the state governments do take note of it with all seriousness and follow. मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू का 135वां योम पैदाइश रवायती अंदाज में मनाया गया। कांग्रेस ने दिल्ली में शांतिवन पर दुआया प्रोग्राम का इनेकाद किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और दीगर लीडरों ने इस मौके पर आनजहानी लीडर को खराज अकीदत पेश किया। जम्मू में भी पार्टी ने रियासती सरबराह तारिक हमीद कुर्रा ने आनजहानी जवाहरलाल नेहरू के योम पैदाइश को चिल्ड्रन डे के तौर पर मनाया। इस मौके पर उन्होंने अपने अल्फाज में नेहरू जी को याद किया। देखिए, आप देख रहे हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से न कि सिर्फ नेहरू जी, न कि सिर्फ गांधी जी, बल्कि वो सब लोग प्री हिस्टोरिक डेज के, प्री इंडिपेंडेंस डेज के, जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, जिन लोगों ने अंग्रेजों के उस एनार्की के खिलाफ लड़ा, उनकी भी जो यादें हैं उसको हटाने की कोशिश की जा रही है, और जिसका नतीजा ये है कि आज आप देखेंगे कि स्कूल के बच्चे, जैसे आज का दिन चाचा नेहरू का दिन चिल्ड्रंस डे मनाया जाता था, हर स्कूल में मनाया जाता था, पूरी रियासत में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में इसको चिल्ड्रंस डे के तौर पे मनाया जाता था, लेकिन आज उसको गायब किया जा रहा है। तो हमारा मानना है कि अगर एक साइड से एक सस्टेन कैंपेन के तहत बीजेपी या आरएसएस ऐसे महापुरुषों की, कोई भी हो,
ऐसे महापुरुषों की नाम को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे महापुरुषों की कुर्बानी को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। एज कांग्रेस पार्टी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हमने जेकेपीसीसी में ये फैसला किया है कि हम इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए स्कूलों से, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में इस सब चीज को प्रोपगेट करेंगे। हम ऐसे महापुरुषों की हिस्ट्री को मरने नहीं देंगे। दार्जिलिंग में भी जवाहरलाल नेहरू का युम पैदाइश युम अतफाल के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने बच्चों के साथ नेहरू जी को याद किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कांग्रेस के रियासती सदर वाई एस शर्मिला ने साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती के मौके पर गुलाय अकीदत पेश किए। नागौर में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का चेक किया गया बैग। कांग्रेस ने कहा पीएम मोदी और अमित शाह की भी ली जाए तलाशी। झारखंड में अमित शाह ने फिर उठाया रियासत में गैर मुल्की दरअंदाजी का इशू। जेएमएम पर लगाया घुसपैठ कराने का इल्जाम। एमपी जिमनी इंतखाबात में कांग्रेस का इलेक्शन कमीशन पर शिकायत नहीं सुनने का इल्जाम। कहा वोटिंग में डकैतों की मदद भी की नजरअंदाज। राजस्थान के टोंक में आजाद उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर हंगामा। वोटिंग के दौरान एसडीएम से मारपीट के इल्जाम पर हुई कार्रवाई। असहार इंडिया परिवार ने अपने बानी चेयरमैन सहारश्री को पहली बरसी पर किया याद। लखनऊ में खसूसी प्रोग्राम में अहम शख्सियात की शिरकत। तो नाज़रीन आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। सहारा पढ़ा।